नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर चिराग भंडारी और मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूं आज मैं आपसे बात करूंगा पेनिस एनलार्जमेंट के बारे में पहले जानते हैं कि पेनिस की साइज़ नॉर्मली क्या होती है एवरेज साइज़ क्या होती है तो एवरेज साइज जो होती है लेंथ जो होती है पेनिस की दैट इज़ फ्रॉम थ्री टू फाइव इंचेज़ इरेक्ट स्टेट के अंदर और जो गर्त होती है मोटापा जो होता है उसका दैट इज़ अबाउट थ्री टू फाइव इंचज़ इरेक्ट स्टेट में इरेक्ट मतलब जब खड़ा हुआ है पेनिस तो ये एवरेज साइज़ है इससे कम है तो बिलो एवरेज है इससे ज़्यादा है तो वो अबव एवरेज है सो वाई इज पेनिस इजमेंट कॉमन डीज डेज तो पेनिस इार्जमेंट इसलिए कॉमन है क्योंकि आजकल पुरुषों को चाहिए एक बड़ा पीनिस सो तो, हैज तो तो सेटिसफाई देयर पार्टनर्स ऐसा लगता है उन्हें कि बड़ा पीनिस होने से सेटिसफेक्शन ज़्यादा होगा या जल्दी होगा बल्कि ऐसा नहीं होता है इमोशनल फैक्टर्स होते हैं और फोर प्ले में कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो कैसी आपकी बॉन्डिंग है ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं एक पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए पर पेनिस एनलार्जमेंट फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसके क्या क्या तरीके हैं तो दो तरीके होते हैं एक तो नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल नॉन सर्जिकल में एक पेनिस एक्सटेंडर आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो वो छोटा सा पेनिस एक्सटेंडर डिवाइस होता है उसको आप पेनिस पे लगा सकते हैं फॉर फोर टू सिक्स आवर्स एवरी डे फॉर अबाउट थ्री टू फाइव सो उससे अबाउट फोर सेंटीमीटर्स लेंथ और थ्री सेंटीमीटर्स वर्थ गर्द जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है उससे सो दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड नॉन सर्जिकल वे ऑफ इम्प्रू इंक्रीजिंग द पेनिस साइज सेकेंड होता है सर्जिकल अब सर्जिकल के अंदर लेंथनिंग होती है और गर्थ इनहेंसमेंट होता है लेंथनिंग में जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं पेनिस के ऐसे लिगामेंट्स जो कि जो पेनिस का अंदर का पार्ट है उसको आपकी बोन से अटैच करके रखते हैं उनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं तो जब सर्जरी करते हैं इन लेगमेंट्स को हम पार्शली डिवाइड कर देते हैं उससे पेनिस के अंदर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो ये लेंथनिंग का प्रोसीजर हो गया अब गर्द का प्रोसीजर क्या होता है या तो आप फैट यूज़ करो आपकी खुद की बॉडी का या फिर फिलर्स होते हैं डर्मल फिलर्स जैसे कि ग्राफ्ट स्किन स्किन ग्राफ्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हो या फिर हाइल्रोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो सो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी द एक्सपर्टीज़ ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप गर्थ इनहेंसमेंट का कोई भी प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हो एवरी प्रोसीजर हैज़ इट सर्जिकल रिस्क एंड Uh, complications, so you must be aware of all the risks and complications before undergoing these procedures.